बाद आपको मैंने एक ड्रिंक बनानी सिखाई थी विच इज मसाला कोला। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक मॉकटेल विच इज मोहितो। मेरे नाम से बहुत ज्यादा मैच होता है। मैं यहाँ पे आपको एक नॉलेजेबल बात भी बताता हूँ, मोहितो जब लिखी जाती है तो उसकी स्पेलिंग में जे होता है, एच कहीं नहीं होता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि जो मोहितो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, बट एक्चुअली मोहितो वर्ड जो जे के साथ होता है वो फ्रेंच का वर्ड है, और फ्रेंच में अल्फाबेट जे को एच की तरह प्रोनंशिएट किया जाता है, इसीलिए इसको मोजितो ना बोल के इसका करेक्ट प्रोनंशिएशन मोहितो होता है। तो आज हम लोग बनाना सीखेंगे मोहितो। मोहितो बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको, जल्दी से देखते हैं हम लोग। थोड़ा बहुत जो इसके इंग्रेडिएंट्स रहेंगे वो मसाला कोला के जैसे ही सिमिलर रहेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो टू, वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे है। तो जल्दी से इंग्रेडिएंट्स देखते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं और मॉकटेल बनाना विच इज मोहितो। मोहितो बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए आपको वो एक सोडा वाटर। यहाँ पे मैंने स्प्राइट लिया है, ये भी आपका सफिशियंट काम करेगा। तो एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए, बेसिकली आप कोका कोला पेप्सी ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं यूज करोगे, सोडा कोल्ड ड्रिंक्स को यूज करोगे। नॉर्मल नमक, इसको इससे हम लोग अपने ग्लास को गार्निश करेंगे। डेफिनेटली आपको ग्लास चाहिए जिसमें आप इसको सर्व करने वाले हो। आइस क्यूब्स चाहिए जो आपके मॉकटेल को कूलमेंट देगा, एंड डेफिनेटली उसके साथ आपको मिंट लीव्स चाहिए, पुदीने के पत्ते चाहिए, और पुदीने के पत्तों का स्मेल बहुत प्यारा होता है। तो जब आप उसको क्रश करोगे तो जो उसकी स्मेल होगी, जो उसका टेस्ट होगा, वो आपके ड्रिंक को और ज्यादा इन्हांस करेगा। बिकॉज आपके डाइजेशन के लिए हाजमोला अगर आप नहीं डालना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे लोगे जीरा पाउडर, काला नमक, आपके आपको चाहिए चाट मसाला, और आपको चाहिए ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर, और आपको चाहिए नींबू। नींबू के ऐसे आप ट्रायंगल के शेप काट करके रख लोगे, और एक आप सर्कुलर शेप रखोगे अपने मॉकटेल में ड्रिंक को सही करने के लिए, गार्निश करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। तो जो सबसे पहली चीज आपको करनी है, एक नींबू लेके आपको अपने ग्लास के एजेस पे उसको कुछ इस तरीके से रब कर देना है जिससे थोड़ा सा वो स्टिकी हो जाए। उसके बाद आप इसको इन्वर्ट करके बहुत आसानी से इसके ऊपर, इसके एजेस के ऊपर आप ऐसे नमक को चिपका दोगे जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और जब आप इसको कंज्यूम करोगे और आपके मुंह में यहाँ पे नमक आएगा तो वो टेस्ट को और इन्हांस करेगा। अगर आप नमक नहीं डालना लगाना चाहते हो, आपको ज़्यादा नमकीन चीज़ें नहीं पसंद है, तो आप उसकी जगह पे यहाँ पे शुगर पाउडर का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आप उसमें डालने के लिए यूज करोगे आइस क्यूब्स। आप 2 से 3 आइस क्यूब्स अपने ग्लास में डाल लोगे, और उसके बाद आगे के इंग्रेडिएंट्स के साथ हम अपने मोहितो को कंटिन्यू करेंगे बनाना। तो यहाँ पे मैं आपके लिए 3 आइस क्यूब्स ले रहा हूँ, और मैं तीनों आइस क्यूब्स को आपके ग्लास में ही सबसे पहले डाल लेता हूँ। उसके बाद हम लोग मिंट लीव्स को यूज करेंगे। आप अपने मॉकटेल में, अपने ग्लास में मिंट लीव्स डालोगे, और उसके साथ आपने जो नींबू के पीसेस कट करके रखे थे इसको भी अपने आप मॉकटेल में डाल दोगे, अपने ग्लास में इसको डाल लोगे। और उसके साथ हम लोग ने जो भी मसाले लिए हैं यहाँ पे, कुछ हम लोग यहाँ पे काला नमक इसमें डालेंगे। काला नमक के बाद हम लोग कुछ जीरा पाउडर डालेंगे, ऑलरेडी भुने हुए जीरे को पीस के हम लोग ने इसको बनाया है। यहाँ पे हम लोग चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला का क्वांटिटी थोड़ा सा आप ज्यादा रख सकते हो जिससे टेस्ट और अच्छा होगा। और उसके बाद आप सबसे लास्टली डालोगे ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर। नमक को थोड़ा सा अपने स्वाद अनुसार आप कम या ज्यादा कर सकते हो। और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ क्रशर आप हल्का हल्का इसको क्रश कर लोगे, बहुत ज्यादा आपको क्रश नहीं करना है, सो दैट जब आप क्रश करोगे तो आपके मिंट के पत्ते, पुदीने के पत्ते और अच्छे से उसका फ्लेवर आ सकेगा। तो आप इसको हल्का हल्का क्रश कर लो, क्रश करने से पुदीनों का पत्ता और जो आपने नींबू के टुकड़े डाले थे, हर एक चीज आपका यहाँ पे उसका फ्लेवर आएगा। आप क्रश करते टाइम आपको कैसे पता चलेगा कि ये करेक्ट है कि नहीं, वहां पे आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस कि आपको एक बहुत प्यारी सी स्मेल आएगी, बहुत प्यारा आपको एक स्मेल आएगा मिंट का। और उसके बाद आप जो भी आपका सॉफ्ट ड्रिंक है, यहाँ पे जो मैंने स्प्राइट यूज किया है, आप उसको अपने ग्लास में पोर कर दोगे।
तो जो आप शॉप्स पे जो आपको मोहितो मिलता है, जो रेस्टोरेंट्स में आपको मोहितो मिलता है, कुछ वैसा ही सेफ टेस्ट और प्रॉपर्टीज के साथ तो आपका मोहितो बिल्कुल जैसे कि आपको किसी रेस्टोरेंट में मिलता है वैसे ही आपका बन के रेडी हो गया है। लास्टली जो सबसे लास्ट स्टेप होगा, अगर आप चाहते हो तो आप इसमें कुछ हाजमोला के दाने, एक से दो दाने आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और स्पून की हेल्प से आप उसके एंड साइड के हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लो, और आपका अब मोहितो बन के रेडी हो गया है। जस्ट गार्निश करने के लिए आपने जो सर्कल के शेप में कट किया था उसको आपने लगा देना है ग्लास के ऊपर, और आपका अब मोहितो देख सकते हो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, और बिल्कुल जैसे आपको रेस्टोरेंट शॉप्स पे मिलता है, किसी होटल में मिलता है वैसा ही दिख रहा है। तो घर का बना हुआ मोहितो आप रेडी करो, तैयार करो और इसको इंजॉय करो। सो ये रहा हम लोगों का आज का मॉकटेल, और एक मॉकटेल ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिया है जो कि था हम लोग का मसाला कोला, और आज हम लोग इंजॉय करेंगे मोहितो एज अ मॉकटेल। ये रहा हम लोग का आज का रेसिपी विच इज मॉकटेल मोहितो। आपने बनाना सीखा, अगेन दिस इज कुकिंग विदाउट फायर, जस्ट आपको कुछ बारीकियों के ध्यान रखने हैं, आपको बहुत ज्यादा पुदीने को क्रश नहीं करना है। जैसे ही हल्का हल्का स्मेल आने लगे आपको पुदीने का, क्रश करना आपको बंद कर देना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज को बनाने से ज्यादा कैसे आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, उसको कैसे डेकोरेट कर रहे हो, बिकॉज जिसको आप अपना खाना सर्व कर रहे हो वो सबसे पहले आंखों से अट्रैक्ट होता है, तो आपका दिस दिखना बहुत अच्छा जरूरी होता है। तो ये रहा आपका मॉकटेल, और आप इसको एंजॉय करो, अपने घर पे बनाओ, एंड डेफिनेटली कमेंट करके हमें बताओ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वी विल मीट सून, तब तक आप घर पे रहो, सेफ रहो, और हम लोग जल्दी ही किसी नए वीडियो में कुछ नया बनाते हुए आपके साथ मिलते हैं। गुड बाय एवरीवन।